सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मार डीपीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रिलेटेड एक जो चीज़ है वो पूछी थी, जिसके ऊपर गाइस एक अपडेट मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गाइस ये पूछा था कि जो राइट टू गिव अप है उसका क्या सोल्यूशन है, अगर हम गलती से राइट टू गिव अप पे क्लिक करते हैं, OTP डालते हैं तो क्या फिर होगा, एंड अगर हमें फिर से हमारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कर पाएंगे या फिर नहीं, तो इसके ऊपर कुछ अपडेट है या फिर नहीं है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि राइट टू गिव अप क्या है एंड इसका क्या सोल्यूशन है। तो देखो गाइस, एक बीच में ऑप्शन आया था राइट टू गिव अप, तो जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए एंड परमानेंटली उन्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है, ऐसा अगर चाहिए तो उन्हें राइट टू गिव अप के बटन पे जो है वो क्लिक करना था। एंड उस टाइम ये जो ऑप्शन है वो एकदम नया नया आया था, किसी को भी पता नहीं था कि इससे क्या होता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेकनली इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करके OTP जो है वो डाल दिया था, जिसकी वजह से उन सभी स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो गई है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थे कि हमें तो स्कॉलरशिप चाहिए थी बट हमने गलती से क्लिक कर दिया तो क्या सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर गाइस एक अपडेट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो अपडेट ये है गाइस कि मैंने ग्रीवरेंस एंड एक जो टिकट है वो रेज की थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसके ऊपर गाइस एक जो अपडेट है वो आया है उनकी तरफ से। इसमें लिखा है, डियर एप्लीकेंट, महा IT इज अ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड एंड हैज़ नो राइट टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशन ऑफ राइट टू गिव अप फंक्शनलिटी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे लिखा है, गिव अप फंक्शनलिटी रिसीव्ड एंड अकॉर्डिंगली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड एप्लीकेंट्स टू रिवर्ट देयर एप्लीकेशंस विच वेर ऑप्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ राइट टू गिव अप फंक्शनलिटी। महा IT इनिशिएटेड कम्युनिकेशन टू द IT डिपार्टमेंट एंड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम देम। वंस महा IT गेट्स कन्फर्मेशन टू रिवर्ट ऑल द राइट टू गिव अप ऑप्शन सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स, नेसेसरली चेंजेस विल बी डन इन द सिस्टम। इट इज़ रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ फॉलो अप विद द इंस्टीट्यूट। वंस नेसेसरी चेंजेस डन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेंट प्रोफाइल टू। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा MarDBT का पोर्टल है उनका ये कहना है कि ये हमारे पास राइट नहीं है इसे चेंज करने का, बट हमने जो IT डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है वो क्वेरी रेज कर दी है, बिकॉज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी सारे कॉलेजेस की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि जिन भी स्टूडेंट का राइट टू गिव अप है उनका फिर से जो है वो रिवर्ट कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग जो है वो पता नहीं था एंड गलती से ये जो है वो हो गया था। तो उन्होंने कई जो रिक्वेस्ट है वो रेज कर दी है MarDBT डिपार्टमेंट में। अब उनके तरफ से कई जैसे ही अपडेट आएगा तो वैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स ने राइट टू गिव अप किया उन सभी का जो एप्लीकेशन है वो रिवर्ट हो जाएगा एंड फिर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। बट अब ये कंफर्म नहीं है कि ये जो रिवर्ट बैक है ये होगा या फिर नहीं, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, फिर जिन्होंने भी राइट टू गिव अप के ऊपर क्लिक किया होगा उन्हें फिर से अप्लाई करने का जो मौका है वो मिलेगा, एंड अगर नहीं होता है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड इसके लिए आप, इन्होंने ये भी बोला है कि आपको कॉलेजेस के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहना है इस चीज़ के लिए, तो जिन्होंने भी गलती से राइट टू गिव अप के ऊपर क्लिक किया होगा वो अपने कॉलेज के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहिए, एंड जैसे इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इन्होंने तो एक उम्मीद दी है कि राइट टू गिव अप जिनका भी हुआ है गलती से उनका जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा एंड उन्हें ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का, बट फिलहाल जो है वो अभी भी आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे जिन्होंने राइट टू गिव अप के ऊपर जो है वो क्लिक किया है उन्हें। ठीक है, बट एक उम्मीद है जिसके थ्रू हो सकता है कि हमें फिर से अप्लाई करने का जो है वो मौका मिले। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया नहीं है मैं बोलूँगा इसके बारे में जानने की कोशिश भी मत करो, बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को बिल्कुल भी क्लिक मत करना, जिन्होंने गलती से की है उनके लिए हो सकता है कि उन्हें फिर से अप्लाई करने का मौका मिले। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल एक जो उम्मीद है वो तो हमें मिल चुकी है, तो देखते हैं कि कब तक ऐसा जो ऑप्शन है रिवर्ट बैक का वो आता है, एंड आने के बाद मैं आपको वैसे अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी भी उनके अकाउंट में जो है वो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे देखो गाइज एक ऑप्शन है, गाइडलाइंस फॉर अनडिसबर्समेंट बेनिफिट। तो अगर आपके इसमें गाइज कुछ अलग अलग से एरर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या एरर है एंड उन एरर्स के क्या मतलब आपको प्रोसेस करना चाहिए ताकि वो एरर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे जो एरर्स है वो दिए हुए हैं एंड उसके लिए क्या एक्शन आपको लेना चाहिए वो भी दिया हुआ है। तो अगर आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में या फिर आपको पैसे नहीं आ रहे तो इनमें से अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे दिया है एक्शंस क्या आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो ये देख के गाइज आप अपने जो एरर्स है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी राइट टू गिव अप के ऊपर अगर और कोई अपडेट आता है तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइज अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अब मैं टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो देता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।